और श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन अमर कथा का पान कराया, वो सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं कि आने वाला कलयुग और कलयुग के लोग कैसे होंगे। परीक्षित जरा ध्यान से सुनना, एक एक शब्द रागणी का सुनने वाला। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्या कहते हैं सुनेगा रागणी के द्वारा। सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित, सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित, समय बड़ा बलवान, प्रेम से धरो ईश्वर और मुझे भी लगे कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, तो एक बार जयकारा लगाओ भाई साहब तगड़ा सा, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब तो भगवान ने देखो सूर्य देव भी आ गए, आपकी जाड़ा दूर करने का एक सूर्य देव ने कृपा कर दी है, तो आइए भजनों का आनंद लेते रहिए। और क्या लिख दिया, ए जी प्रेम से धरो सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित, सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित, समय बड़ा बलवान, प्रेम से धरो ईश्वर का ध्यान। और सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित, या समय बड़ा बलवान, प्रेम से धरो मेरे प्रभु का ध्यान। पहली लाइन में लिख दिया भाई कलयुग कैसा होगा, कलयुग की पहचान कैसे होगी, पहली बात में सुनेगा कवि ने के लिख दिया। चीजें बनाई, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतना ज्यादा
मांसाहारी खाना पसंद करते हैं। अरे मक्खन खाओ, दूध पियो, और आजकल तो चाइनीज आइटम आ गए, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये वो, जिनसे हेल्थ तो खराब होती है बल्कि मन के शुद्ध विचार भी खराब हो जाते हैं। अपना भारत देश, अपना हरियाणा खाने पीने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं है, क्योंकि ये कलयुग का प्रकोप है। दूसरी बात मैं सुनेगा दादा ने कि भजनों में ध्यान नहीं होगा, अच्छी रागनी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर कहीं अभद्रता का प्रोग्राम हो जाए, चार लड़कियां खड़ी हुई डांस कर रही हो, वहां लोग बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। ये भी कलयुग का प्रभाव है। दूसरी बात मैं दादा ने मुझे कह ली थी, mm-hmm.
स्वर्गीय जो बाबा श्यामल सिंह जून जी की आज इस श्रद्धांजलि को एक महाकुंभ के रूप में मना रहे हैं, उनके सपुत्र 1100 रुपए से सम्मानित करते हैं, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूं। अपने स्वर्गीय श्यामल सिंह जी हैं, उनके बड़े भाई के लड़के हैं, और 551 रुपए शकूर टाउन से, वो भी 551 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं, मैं उनके लिए भी बार बार धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सवंदर पहलवान जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। और किस प्रकार से अगली कली में बता है तो सुनिए, आइए। आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वैसे तो हमेशा आशीर्वाद रहता है उनका, और आदरणीय ओम प्रकाश हुड्डा जी का यहाँ पर आने पर अभिनंदन स्वागत, और साथ में आदरणीय समुद्र पहलवान जी, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन स्वागत। Good day.